बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। लेकिन ये इसलिए आना जरूरी था आपको यहाँ कि हमको और आपको मिलकर बच्चों को सुधारना है, उसकी हैबिट्स को सुधारना है। आप लोग 22 लोग हैं, शायद 22 ही है ना, 22 लोग वॉल्यूम थोड़ा कम करवा दो मैम। ये कंपटीशन कहाँ से कहाँ तक था आपको बता सकते हो? नर्सरी से सेकंड तक। इसका पहला फेज है, इसके तीन फेज जाएंगे। कितने फेज तक ले जाएंगे उसको? तीन फेज तक। पहला फेज आप लोगों ने पार किया है, समझ लो। क्या हो रहा है कि हमने एक महीना हुआ है नर्सरी से सेकंड तक के बच्चों को शामिल किया है इसमें और उनके मदर्स को शामिल किया, उसमें से आप 22 लोग सिलेक्ट होके आए हो। उससे सिलेक्शन का सर ने बताया आपको, टीचर्स रोज ऑब्जर्व करती है बच्चों को, टिफिन खुलवाना है, उसकी कॉपी, उसके कपड़े, उसके जूते, सब सब चीज देखती है और उसमें से नाम को रोज पिक कर करके कि कौन बच्चा ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। जिसने कंटिन्यू पूरे नियम को फॉलो किया, कंटिन्यू सारी चीजें करती रही, वो मदर यहाँ बैठी है। जिस मदर ने अपने बच्चे कम ध्यान दिया, वो कारण से किसी दिन वेजिटेबल भेज दी, किसी दिन ड्रेस अच्छी भेज दी, किसी दिन नहीं भेजी, वो मदर आपके पीछे है। आप लोगों ने हर बार बात को पूरा किया, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा था। कितने बच्चे हैं नर्सरी से भेजे मैडम सर? कितने? मेरे को लगे 350 बच्चे होंगे। आप क्लास में से आपने दो सिलेक्ट किए हैं हर क्लास में से। एक क्लास में 40 बच्चे हैं मान लो, तो 40 में से आप टॉप हो गए। अभी दो तीन लोग आए नहीं सर, है ना? तीन लोग नहीं आए, बाकी सब लोग आए। आप लोगों को इससे लगा कुछ सुधार हो रहा? बिना डर, बिना डराए, बिना मारे, बिना चिल्लाए बच्चे में अपने आप सुधार हो रहा। कुछ बोलते हैं कि ये फालतू है, स्कूल वाले या टीचर्स के दिमाग में फालतू करवा रहे हैं, इससे बहुत सुधार हो रहा है। हम हमारे बिगड़ गए बच्चा खुद कर रहा है, आज इसमें हैबिट चल जाएगी। मैं एक बात बताता हूँ, कल किया, कल उस स्कूल में था मैं, बच्चे को हैबिट जैसे ही माँ बाप डालते हैं ना, टीचर्स तो डालते हैं, लेकिन बचपन में माँ बाप और टीचर मिलकर जो डाल देते, वो हैबिट जीवन भर बनी रहती है। कल मैंने एक 12th वाले बच्चे को उठाया, हम 10-12 दिन से परेशान है, आजकल वो दाढ़ी का चैलेंज चल गया, स्टाइल में दाढ़ी रखते हैं बच्चे उनकी बड़ी करके। ठीक है ना, तो उसको मैंने उठाया और लाइन से खड़े किए उसको। हम 10 दिन से बोल रहे हैं वो सेविंग करके नहीं आ रहा। देखो ये बैड हैबिट है, बच्चा अभी पढ़ रहा है, जब तक वो स्कूल कॉलेज में रहे, यहाँ जहाँ भी वो नौकरी करेगा। आपने कभी देखा किसी एसपी कलेक्टर या किसी नौकरी करने वाले की दाढ़ी पड़ी हुई वो नौकरी करता है? नेता हुआ, व्यापारी हुआ, और ऐसे जो थोड़े से आलसी किस्म के लोग रहते हैं उनकी दाढ़ी पड़ी रहती है। उनको समझाया है, आजकल स्टाइल चल रही है लेकिन चलना नहीं चाहिए वो। तो एक पेरेंट्स को फोन लगाया मैंने, तो पेरेंट्स को फोन लगाया क्या हुआ, रोज 20 रुपये फोन लगाया इनके लिए, और आजकल स्टाइल चल रही है। अब मैं उस पेरेंट्स को क्या बोलूँ? मैंने बोला तो कल से स्कूल ही मत भेजना इसको, मैं पढ़ूंगा ही, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब मैं घर को कोऑपरेट करने की बजाय क्या करा हमने, बोलता मेरे को बोल दे कि आपको सर 30 रुपये रोज फोन लाया, जबकि 30 रुपये वाले रोज वाली रोज बना सकता है घर पे, 2 रुपये पानी लगा अगर बनाना चाहिए। अभी से हैबिट डाले तो वो उनके बच्चे को ठीक कर रहे नहीं जाते ना। आप लोगों ने हमको कोऑर्डिनेट किया, हमारी बात को समझा, क्योंकि हम अकेले बच्चे को नहीं सुधार सकते। आपकी बहुत जरूरत है, हम कुछ बोलते हैं फॉलो आप ही करवाओगे ना उसको, घर से फॉलो करने वाली चीज तो आप ही करवाओगे। तो यहाँ जो 22 लेडीज बैठी है, जो मैम बैठी है, वो इसीलिए बैठी है, बच्चों को हमारे साथ बड़ा कर रही है, उसको ठीक कर रही है। बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल प्लेन, जैसे माँ की गोद में आता, वो हर एक स्टाइल माँ की, पापा की, हर एक स्टाइल सीखता है। यदि आप छोटे बच्चे का ध्यान रखना, बोलना सिखाओ, मम्मी सीख रहा है इसलिए बच्चा है। अभी चार पाँच महीने बाद ये क्या करेगा मालूम, मम्मी जो बोलेगी उसकी नकल करना चालू करेगा। मम्मी बोलेगी संजू जरा, तो बोलेगा संजू जरा, रिपीट करेगा। मतलब वो क्यों रिपीट कर रहा है, वो सीखना चाह रहा है।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप मान लो पति पत्नी घर में झगड़ रहे हो तो इस बच्चे के दिमाग में वो झगड़ा जाएगा, उसी स्टाइल में पापा के स्टाइल में आप बड़ा होकर उसी स्टाइल में लड़ेगा भी, मम्मी के स्टाइल में इसी दूसरे बच्चे से बिहेव करेगा। आप घर में जैसा जैसा बच्चों के सामने करते हो, जो जो आपकी बैड हैबिट्स है तो बच्चों के सामने करोगे तो बच्चों के अंदर तो जाएगी नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ाई भी होती है थोड़ी बहुत बच्चों के सामने ना हो, कुछ वाद विवाद भी होता तो बच्चों के सामने सब अच्छी चीजें पेश की जाए ताकि उस कोरे कागज पर अच्छी अच्छी तस्वीरें निकले, नहीं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, पता बच्चों के सामने दादाजी गाँव में तो गाय भैंस को गाली बकते थे तो बच्चा तुरंत पकड़ता है, दूसरे दिन गाली चालू कर देता आपको, तुरंत बक देगा किसी को, मेहमान आया मेहमान के सामने उड़ा देगा, ऐसा रहता है। जो देखो गांव में क्या है, गांव में बच्चा सदूर घूमता है, शहर में बच्चा बाहर नहीं निकलता है घर से, मम्मी कहीं गए तो कार में बैठे, कार के कार में बैठ के बाहर निकल, लेकिन गाँव में बच्चा घूमता हर चीज देखता हर चीज समझता है। शहरों में ये हालत नहीं है, शहरों में एक दो घरों में मोहल्ले में चला जाएगा, पड़ोस में मोहल्ले अगर ठीक नहीं है तो वहाँ भी नहीं जाएगा, घर से बाहर ही नहीं जाएगा, उसके लिए स्कूल रहता है और घर। तो शहरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गांव में बहुत प्रॉब्लम है, बच्चा गांव में बाहर हुआ पेड़ से चलना चालू हुआ 3-4-5 साल का हुआ तो गांव में पूरे गांव में रोड लगा गया था, आप घूमते रह जाओगे 1 घंटे में आएगा। तो जो जो बाहर देखेगा वो सब चीज़ सीखेगा, क्योंकि वो सीखने का टाइम उसका कहाँ तक रहता है 10 साल तक सब चीजों को ऑब्जर्व करता, 10 साल के बाद उसका दिमाग लगाने लगता था, वो फिर आइडियाज लगाने लगता था कि मैं भी ऐसा करूँ, जो पीछे सीख के आया वो अनुभव फॉलो करने लग जाता था। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो भी बैड हैबिट से मान लो आप किसी कारण से किसी से जोर से बोल रहे हो चिल्ला रहे हो तो बच्चे को सामने नहीं करना। हम देखते हैं पुराने जमाने में जाते हैं हम तो हमारे मम्मी पापा जो दादाजी के सामने बच्चे को उठा देते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे बच्चे से, मदर फादर का कनेक्टिव कभी नहीं होता था, वो पापा के सामने बच्चे की तरफ देखते नहीं थे वो निकल जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी ले सकते हैं, तो गलत चीज़ें नहीं होती थी। अगर कोई बीड़ी भी पीता होगा तो गांव वाला बुढ़ा आ जाएगा तो पीछे दबा लेगा कि नहीं पीना, लेकिन आजकल तो सामने पीने लगता है। तो बच्चे में हैबिट्स जा रही है, अगर घर में फादर मदर या अंकल कुछ गलत हैबिट्स करके आ रहे हैं तो बच्चा 10 साल के बाद उन चीज़ों को पकड़ना चालू करेगा और 5 साल से पकड़ना चालू करता है, वो बोलेगा बाप बीड़ी पी रहे, तो कभी कभी नकल भी करता घर में से कर, तो वो चीज़ों का फर्क पड़ता है, बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है। आप ऑब्जर्व करना, आपकी माँ हो आपने बच्चे बड़े किए, लेकिन मेरे अनुभव से बताओ एक ही चीज पकड़ता हूँ मम्मी, जैसे टीचर्स के बारे में बोला ना वैसे टीचर्स की पकड़ता, टीचर्स अगर टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाएंगे तो टेढ़े मेढ़े ही बनाएगा, आप सही बनवा दो नहीं बनाएगा। टीचर्स जैसी चप्पल पहन के आएगी या जूते चप्पल पहन के आएगी बैग रखेंगी ऐसी लड़कियाँ पूरी बच्ची रहती है नकल करती है, टीचर्स जो जो करेंगी कभी कभी वो घर में टीचर बन जाती है दो चार बच्चों को बैठा लेती है बनती ना, और जैसी मैडम ये फलानी मैम है मैं आज मीना में हूँ आज फलानी में हूँ आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी पूरा रोल करती है। तो जैसे स्कूल में रहता ना वैसे बच्चा घर से भी सीख गया, घर की चीजें भी वो कभी कभी बाहर निकालता। तो कोशिश करो कि बच्चे के साथ समय देना चालू करो, हम क्या करते हैं स्कूल भेज दिया टिफिन तैयार कर दिया उसके साथ बैठना है उसको अच्छी बुरी चीज़ें धीरे धीरे से समझाना चालू करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छी मदद से आपने इस कंपटीशन में यहाँ तक भाग लिया, अगला फेस चालू होगा उसके बारे में बताएंगे आपको, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट आपका ही होगा, उसमें एक फेस हम और सेकंड के बाद थर्ड से चालू करेंगे। हम चाह रहे हैं ये हैबिट्स बंद नहीं हो, ये कंपटीशन तक नहीं रहे, ये बच्चे में आदत ही डल जाए। अभी आपका कॉम्पिटिशन बंद नहीं हुआ है इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ, ये फेस चालू होगा सेकेंड फेस में थर्ड फेस में ले जाएंगे इसको, तो बच्चे में हैबिट्स बनती रहे, मतलब आप आज खत्म हो गया तो बच्चा कल से सेम लाने लग जाएगा, अब तेरा कॉम्पिटिशन खत्म कर ले। अच्छा सेम के लिए लड़ाई होती है कभी फोन आते पेरेंट्स के, तो सेम क्यों ले जा रहे हो आज सब्जी नहीं बना पाई मेरी वाइफ को, सेम तो भेजेंगी सेम, ये कौन सा स्कूल है यार नया, उसको समझ भी नहीं आ रहा पेरेंट्स को स्कूल वाले क्यों कर रहे, स्कूल वालों को क्या फायदा उससे, जो पेरेंट्स समझते नहीं है उनके कारण बहुत दिक्कत होती है। इतने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, आप ये बताओ व्हाट्सएप पे कौन कौन जुड़े हुए हैं, हमारे एक्टिविटीज कौन देखते हैं, कोई एक्टिविटीज देखते हो, कोई जो जो होती है स्कूल में बच्चे की जो जो एक्टिविटी होती है सभी देखते हो, डांस से लेके स्पोर्ट्स वगैरह सब देखते हो, देखना चाहिए हर एक चीज के पीछे कोई रीजन है। अभी कल एक और फ्रेंड ने हम डांस करवा रहे थे बच्चों को,
उसकी बीजी क्या रीजन था, बच्चा ठंड में आया थोड़ी उसमें गर्मी आ जाए, है ना, वो थोड़ा सीखे करना, टीचर भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, सभी कर रहे थे, मैम भी कर रही थी, हमारी जोशी मैम भी कर रही थी। तो ये हम अपनी टेंथ ट्वेल्थ वाले बच्चों को सिखाने जाएंगे तो नहीं करेंगे। आपने देखा टेंथ के बच्चे नाइन्थ के बच्चे उसमें नहीं थे, छोटे बच्चे थे, इनमें जो हैबिट्स चलती जाएगी ना वो अपने आप डल जाएगी। ये तो मैं बारहवीं में उसकी सेविंग बनवाने के लिए रोज खड़ा कर रहा हूँ और पेरेंट्स मेरे को वहाँ से बोलता कि नहीं बनानी। आज मैंने एक नाई बुलाया हूँ तो सबकी मैं खुद बनवाऊँ उस स्कूल में, ये पक्का आज मैं नाई बुला के ला हूँ, 22 बच्चों में हूँ, बोल दिया पेरेंट्स से और नहीं आना तो स्कूल बना, और सबसे पैसे भी हमारे 50,000। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, अब ऐसे में कोई पेरेंट्स आके हमसे लड़ेगा कि मेरे बच्चे कितने डाटी क्यों बनवा दी, इसकी मुँह साफ क्यों करवा दी, तो फिर हम गलत ना हो। ऐसी भी फेस करनी पड़ती है हमको चीज़ें, बच्चे सामने आके टीचर के खड़ा हो जाता है, तो ये क्यों होता है, यहाँ से हैबिट्स खराब होती है बचपन से। माँ बाप ने सिखाया कि देखो ना होता क्या, स्कूल के लिए कोई सामान मंगवाया गया तो मम्मी खाना बनाते बनाते बोलती है, अरे तेरे स्कूल वाले तो ऐसे ही हैं, तो तेरे सर भी ऐसे ही हैं, क्या मंगवाते रहते हैं, स्कूल पढ़ती नहीं, पढ़ाते लिखाते नहीं, बस बच्चे के दिमाग में चला कि मेरे स्कूल के सर ऐसे हैं और स्कूल ऐसा ही है, फिर वो स्कूल में आके नहीं करेगा, रोज के नखरे इनके, कुछ कुछ मंगवाते रहते हैं, कुछ कुछ करवाते रहते हैं, अब स्केटिंग वाले वो मंगवा लिए, जूते ये मंगवा लिए। अपन ने जैसे अपने अपने स्कूल बच्चे के स्कूल को गलत बताया, कुछ गलत बोला टीचर के बारे में, तो बच्चे के दिमाग में रख लेते हैं और वो यहाँ आके वही करता है। टीचर के रिस्पेक्ट करना माँ बाप सिखा देते, सिखाना चाहिए कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, हमारे धर्म में बताया गया, बच्चों को बताना चाहिए कि टीचर्स जो बताया बात मानना, टीचर्स क्या बताते हैं पूछना चाहिए, उसके दिमाग में टीचर्स के प्रति गलत चीज भर देगा तो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आपके हाथ में, आपके और हमारे हाथ में निर्णय है बच्चे का, इधर मुड़ना है इधर नहीं मुड़ना। अगर एक भी आदमी एक साइड बैठा आदमी गलत हो गया तो गाड़ी तक चली जाए, हम सही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कूल में, लेकिन वो पेरेंट्स गलत हो गया तो मैं क्या बोलूँ, सब नहीं निकलेगा उसकी मुँह में, गुस्सा है मेरे बच्चों को भेजना ही, मैंने कहा मैं देता हूँ, मैं डाली मेरे पास 2-3 महीने ट्वेल्थ तक रहेगा, मैं पैसे दे दूंगा बनवाओ। पेरेंट्स का रिएक्शन गलत आता है बहुत गड़बड़ होता है, तो आपसे अपेक्षा है कि जो भी कंटिन्यू चल रहा है वो चलता है, उम्मीद करूँ चलेगा, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहेंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन बच्चों का पूरा विकास होना जरूरी है, हम पढ़ाई में पीछे नहीं, हमने मध्य प्रदेश में टॉप किया उस स्कूल में, पूरे मध्य प्रदेश में आपको मालूम है पूरे एमपी में टॉप करा बच्चे ने, आपके धतूरिया का बच्चा गाँव का, इसी धतूरिया को यही क्या कौन है धतूरिया से कोई भी धतूरिया का बच्चा है, किसान का बच्चा है, पूरे मध्य प्रदेश में 490 नंबर लेके आया 500 में से, एमपी में पता है आपको किसको उसको बताया, 500 में से 490 नंबर, हर एक सब्जेक्ट में 99 एक सब्जेक्ट में 97 एक सब्जेक्ट में 100 इस, एक बच्ची टेंथ में लेके टॉपर बनी हो पिछली बार यहाँ कराची की, क्या नाम है उसका, अंशिका, उसके 97 थे, इस बार भी टॉप करेंगे तो 90, और यहाँ भी बोर्ड चालू हो रहा है सीबीएसई चालू बट टेंथ, तो इस बार भी यहाँ भी हम कुछ पढ़ा करेंगे, तो पढ़ाई भी तो कर रहे हैं लेकिन उसका पूरा विकास, उसकी जिस चीज़ में रुचि हो स्पोर्ट्स में हो, वो योगा करना सीख जाए, वो ध्यान करना सीख जाए, वो कहीं बुक पढ़ना सीख जाए, किसी कॉम्पिटिशन मतलब अच्छी हैबिट्स बन जाए उसकी, यही तो स्कूल में तो सीखेगा बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा मान लो 5-10 में से 2 नंबर में लेके आ रहा है, उसकी हैबिट्स ठीक है ना, तो खुश करना हमको कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको 9-10 में से 9 नंबर लाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, अगर 2 नंबर भी ला रहा है वो और इसकी आदतें ठीक है, वो गलत बोलता नहीं, गाली नहीं बोलता है, अच्छे से रहता है, सब बात मानता है, तो बच्चा आपका उस 9 नंबर वाले से ज़्यादा तरक्की कर जाता है, ये पक्की बात है। तो कभी भी बच्चे को नंबर के कारण गड़बड़ होता है, उसको देखना है कि उसकी आदत हम ठीक कर रहे हैं, कर आदत ठीक करना उसको, अगर उसको 2 नंबर में आए 10 तो चलेगा, वो नंबर तो बढ़ जाएंगे लेकिन आदतें खराब हो जाएगी, 9 नंबर आने वाले की आदत भी खराब होती है, और नंबर 9 नंबर आने वाला बहुत ही गड़बड़ में रहता है, वो 9 नंबर लाने के बाद ही पीछे रह जाता है, और जो 2 नंबर वाला धीरे धीरे और बढ़ता है उसकी हैबिट्स भी ठीक रहती है, पूरा जीवन ठीक निकलता है उसका। तो हर जगह नंबर के लिए लड़ना है, आप लोग इतना आया इसलिए बता रहा हूँ, कभी बच्चे के दिमाग में इतना प्रेशर नहीं देना कि मेरे को 10 में से 9 नंबर ही चाहिए, तो क्लास में ला नहीं रहा नंबर, पढ़ नहीं रहा, तो उसकी हैबिट जो गड़बड़ नहीं हो रही उसको ध्यान दो, अगर हैबिट्स ठीक हो जाएगी तो नंबर भी अपने आप पड़ जाएगी, कौन से दोस्तों के साथ बैठता है, कितने देर मोबाइल चलाता है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आप मोबाइल आप कितनी देर यूज करते हो,
क्या बच्चे से बात करने का टाइम है क्या, आप स्टेटस देख रहे हो मोबाइल पे, ये आपको भी तय करना इस टाइम आपको बच्चे के साथ टाइम देना पड़ेगा। हम अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो बच्चा भी करेगा, और बच्चे छोटे बच्चों को वो हैबिट्स दूर करा मोबाइल लगे कि उसको गेम के लिए मोबाइल देना, स्कूल आने लगे बच्चा स्कूल की बहुत सारी चीज़ें होंगी का उसको दिखाना, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज भी चालू होगा इसका। अब ये जो आप सिलेक्ट होकर आए हो, आप सबको जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे ये पहले फेज के, सेकेंड फेज में कुछ अलग होगा, थर्ड फेज में कुछ अलग होगा, इसको कंटिन्यू चलाना है। जो जो हैबिट्स बताई गई है उसको बंद नहीं करना है, ये पक्का प्रॉमिस करो आप लोग, कभी भी बंद नहीं करना है। बच्चे को ऐसी चीज देना नहीं जिससे वो हेल्दी हो जाए, उसका डाइट खराब हो जाए, उसका पेट खराब हो जाए, बहुत परेशानी आती है आपको। बच्चा रात को दाल बाटी खा के आता है और वो लंच में कुछ ले लेता है, फिर वो छोटा बच्चा समझता थोड़ी है, रोटी कर देता है, कभी क्या कर देता है, फिर क्या करता है, इसी कंडीशन में हमको उनको गीले कपड़े साफ करके और गीले कपड़े में घर भेजना पड़ता है, क्या करेगा उसको, दूसरे कपड़े तो लेके तो नहीं आएगा बच्चा, कुछ पेरेंट्स चिल्लाते भी हैं उस कंडीशन में, करेगा उसको बिना कपड़े से तो नहीं भेज सकते ना। तो कोशिश रहे कि रात को भी हल्का खिलाए, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। अभी तक जो चलता है हम जिस मालवा क्षेत्र में खाने पीने का बहुत मामला रहता है, बच्चों को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोग आए हमेशा ऐसे आते रहो, हर एक कॉम्पिटिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ऐसी चीजें होती रहेगी। आप लोगों के लिए भी नई चीजें, आप इससे स्कूल से जुड़े रहोगे और बच्चों से जुड़े रहोगे। थैंक यू।